Good morning students, welcome back to our next class. After completing two chapters, now today we are going to start our new chapter, chapter 3, that is integers. First of all, what is integers? आप लोगों ने natural number सुना होगा. Natural number means 1, 2, 3, 4 and so on. And उसके बाद आपके पास आया था whole numbers. उसके बाद उसमें क्या include हो गया था? 0, 1, 2, 3. इट मीन्स नेचुरल नंबर सुना है आपने, होल नंबर सुना है जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया. नाउ आवर चैप्टर इज इंटीजर्स. सो व्हाट इज इंटीजर्स मीन्स नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव आइडेंटिटीज. मतलब जिसमें नेगेटिव आइडेंटिटी नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं. तो इंटीजर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाली सारी वैल्यूज, जीरो और पॉजिटिव वाली सारी वैल्यूज. तो जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैप्टर्स नेम. तो दैट इज इंटीजर्स. सो वी हैव क्वेश्चंस अपोजिट. देखिए इस पूरे चैप्टर में आपको प्लस और माइनस, क्योंकि देखो यहाँ नेगेटिव नंबर्स है और पॉजिटिव नंबर्स है, इन दोनों का ही बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आपका प्लस की जगह माइनस हो गया या माइनस की जगह प्लस हो गया, इट मीन्स आपका आंसर गलत है. तो सिर्फ प्लस और माइनस का ही पूरा चैप्टर है कि आपको आंसर में प्लस का आएगा या आंसर माइनस का आएगा, कौन से ग्रेटर नंबर है, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है. तो जो ये प्लस और माइनस है ये इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है. तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अपोजिट. अपोजिट लिखना है जो भी दिया होगा. अब देखो मैं आपको पैसे दूं, अगर आपको मैंने 10 रुपए दिए, तो अगर आपके पास मैंने पैसे दिए हैं तो वो प्लस में आपके पास पैसे आएंगे तो आपके पास पैसे जुड़ेंगे ना, तो इसलिए वो किसमें होंगे, प्लस में होंगे. मान लो आप मेरे को पैसे दे रहे हो तो आपके पास पैसे कम होंगे, कम होंगे तो आप क्या करते हो, माइनस. आई रिपीट, मान लो आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, और आप किसी के पास से 50 रुपए और ले देते हो. मतलब मान लो मैं आपको 50 रुपए और दे देती हूँ, आपके पास कितने रुपए हैं, 100. मैंने कितने दिए, 50. अब आपके पास कितने रुपए हो गए, 150, 150. तो ये पैसे आके आपके पास ऐड हुए हैं या सब्ट्रैक्ट हुए हैं, ऑब्वियसली ऐड हुए हैं, तो ये वैल्यू किसमें हो जाएगी, प्लस में. और आपके पास 100 रुपीज हैं और आप मेरे को पे कर रहे हो 50 रुपीज, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, ऑब्वियसली 50, क्योंकि 50 आपने मुझे दे दिए. तो वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे या प्लस करोगे, ऑब्वियसली आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास से कम हुए वो पैसे. तो ये चीज है कि अगर कोई चीज कम हो रही होगी तो हम उसे क्या करेंगे, माइनस में शो करेंगे, और अगर कोई चीज ज्यादा हो रही होगी तो हम उसे प्लस में शो करेंगे. तो अपोजिट का मतलब वही है कि अगर आपके पास वैल्यू प्लस में है या मतलब जो वैल्यू है उसका, अगर आपने अर्न किया है तो आप एक्सपेंड करोगे, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उसका अपोजिट क्या होगा, लॉस होगा. लॉस है तो प्रॉफिट होगा, तो यही क्या है, अपोजिट. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्निंग्स ऑफ रूपीज 2500, मतलब आपने पैसे कमाए हैं 2500, तो इसका अपोजिट क्या होगा, आपने पैसे कमाए वो तो वो हो गया, लेकिन आप अगर उस पैसे को खर्च कर दोगे तो वो क्या होगा, अपोजिट. कमाना अलग हो गया और खर्च करना अलग, तो वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट. तो एक्सपेंडिचर ऑफ 2500, ये इसका क्या हो गया, अपोजिट. गेन ऑफ 500, अब 500 रुपए आपके पास मिले हैं आपको, तो अगर मिलना उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लॉस, लॉस ऑफ 500 रुपीज. लॉस ऑफ 7 kg वेट, आपने 7 kg वेट लॉस किया है, मतलब कम किया है, लूज किया है, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है. इसके 4-5 पार्ट्स हो रहे हैं, वो आपको खुद करने हैं कि किसका लॉस होगा, किसका, अगर हाइट है तो डेप्थ चली जाएगी, ये आपको खुद करना है. इसके काफी सारे पार्ट है, 3 या 4, वो सारे आपको करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट साइंस. ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आप उसे प्लस करोगे, अगर आपके पैसे जा रहे हैं तो उसे माइनस करोगे. ये है वो साइन वाला क्वेश्चन कि आपको कौन सा साइन कहाँ लगाना है. ए प्रॉफिट ऑफ 3000, प्रॉफिट हुआ तो आपके पास पैसे आए हैं और आने वाले पैसे को हम कैसे लिखेंगे, प्लस या माइनस, ऑब्वियसली प्लस, तो हम क्या लगा देंगे, प्लस 3000 रुपीज. विड्रॉल ऑफ 5000, विड्रॉल किया है तो कम किया होगा, जब आपके अकाउंट में मान लो 10,000 रुपए है और आपने 5,000 रुपए निकाल लिए हैं तो वो पैसे कम ही होंगे, तो विड्रॉल क्या हो गया, माइनस.
एक काइट फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 100 मीटर, ये मान लो जमीन है और उससे आप 100 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ा रहे हो, तो वो ऊपर हो गई। ऊपर वाली चीजों को आप हमेशा प्लस में लिखोगे, और मान लो आप बेसमेंट की बात कर रहे हो तो वो किस में जाएगी, माइनस में। तो एक काइट फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 100 मीटर वो हमेशा किस में आएगी, प्लस में। एक जेट प्लेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 2756 मीटर, अभी मैंने बताया कि अगर हम ऊपर की बात कर रहे होंगे तो हम क्या लगाएंगे, प्लस, तो दोनों में क्या आ गया, प्लस। नेक्स्ट एक और इसका, इसके दो तीन पार्ट है, उसमें एक क्वेश्चन में ये भी है कि बेसमेंट, तो बेसमेंट की जब बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, माइनस। एक आएगा डेप्थ, जैसे इसमें हाइट आया था उसमें डेप्थ आएगा कि मतलब गहराई में समुद्र में, तो उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि हम मान लो ये सरफेस एरिया उसको हम हमेशा जीरो पुट करते हैं, ठीक है। इससे ऊपर वाली वैल्यूज के लिए प्लस और नीचे वाली वैल्यूज के लिए माइनस। इंटीजर्स के साथ साथ एक और चीज है, नंबर लाइन। आपने अभी तक नंबर लाइन पढ़ी थी ऐसे 0, 1, 2, 3, 4 नंबर लाइन पढ़ी थी, वैसे ही देखिए सेम इंटीजर्स इधर भी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -1, -2, -3। तो इस नंबर लाइन पर भी क्वेश्चन आएंगे, जब क्वेश्चन आएंगे हम इसको और भी डीपली पढ़ लेंगे। तो ये नंबर लाइन है इंटीजर्स के लिए, ओके। सो इसका अपोजिट कंप्लीट करने हैं, और इसके क्या करना है, आपको साइंस लगाने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपको आज होमवर्क में कंप्लीट करना है, सिर्फ इतने ही नहीं लिखने हैं, बचे हुए पार्ट्स भी कंप्लीट करने हैं, ओके। थैंक यू।